एक आदमी मेरे प्रवचन में नहीं आता। मैंने उससे पूछा कि भाई प्रवचन में क्यों नहीं आता, बोले मेरे पास महाराज समय नहीं है, टाइम नहीं है। दो दिन बाद मैं क्या देखता हूं कि वही आदमी लॉन में बैठ करके अखबार पढ़ता है और एक अखबार को दिन में चार बार पढ़ता है, पांच बार पढ़ा करता है। और जब मैंने उस आदमी से पूछा कि भाई क्या कर रहे हो, मैं आहार के लिए गया तो देखा कि अखबार पढ़ रहा है, आहार चर्या से लौट करके आया तो देखा कि अखबार पढ़ रहा है। मैंने उस आदमी से पूछा कि भाई क्या करते हो, बोले महाराज अखबार पढ़ता हूं। मैंने कहा एक अखबार कितनी बार पढ़ते हो, बोले एक अखबार पांच छह बार पढ़ लेता हूं। तो मैंने कहा पांच छह बार क्यों कब पढ़ते हो, तो कहता है महाराज मैं समय पास कर रहा हूं, टाइम पास कर रहा हूं, मेरा टाइम नहीं कट रहा है। अब सोच भले मानस, प्रवचन में आने के लिए समय नहीं है और घर में टाइम पास करने के लिए तेरे पास साधन नहीं है, सोच ये कौन कह सकता है। मैंने कहा तू समय नहीं काट रहा मेरे भाई, हकीकत यह है कि समय तेरी जिंदगी को काट रहा है, तेरे पलों को काट रहा है, तू अपने हाथ से अपना समय खो रहा है। आप सोचिए बेवकूफियों के लिए हमारे पास बहुत समय है, लेकिन परिवार को देने के लिए हमारे पास समय नहीं है। आ गए क्या, क्या बात है, विराजो सोचना है, आपको विचार करना है। हमारी माताओं बहनों को इसका समय है कि पड़ोसिन के साथ बैठ करके घंटों बातें करने का समय है, आंगन में खड़े होकर हंसी मजाक करने का समय है, लेकिन समय नहीं है तो केवल अपने घर और बच्चों को संस्कार देने का हमारे पास समय है नहीं। ये आत्मघाती कार्य कर रहे हैं आप, ध्यान रखना, समय निकालो मेरे भाई।